नमस्कार, खबरदार न्यूज के विशेष कार्यक्रम बर्थडे सेलिब्रिटी में आपका स्वागत। मैं हूं बालकृष्ण मुले और आज हमारे साथ देश के जाने माने खेल समीक्षक श्री नरेंद्र जी बाले जी मौजूद है। 60वां बर्थडे मना रहे हैं, यूं कहें कि 61वें बसंत में पदार्पण करने जा रहे हैं। हम उनका खबरदार न्यूज में ढेर सारा स्वागत करते हैं। इनका अंदाज निराला है, हसकड़ स्वभाव के है, लेकिन इंदौर सहित मध्य प्रदेश और देश के जाने माने खेल समीक्षक के रूप में पहचाने जाते हैं। साथ ही कई पुरस्कार से नवाजे भी गए हुए। नरेंद्र जी, आपका आपके 60वें जन्मदिन पर ढेर सारा स्वागत है, ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कैसा लगता है मनुष्य जब जीवन की एक शुरुआत करता है, और आप तो एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें अपने जीवन को अपनी शर्तों पे, यूं कहें कि अपने सिद्धांतों पर जिया है। एक स्पष्टवादिता आपकी हमेशा झलकती है, इन 60 सालों के सफर को किस तरह बयान करना चाहेंगे आपके 60वें जन्मदिन पर? देखो, सीधी सी बात है कि किसी भी आदमी को कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, संघर्ष सबको करना पड़ता है। मैं जब छोटा था तब मैंने कपड़े धोने का साबुन भी बेचा, मैंने मंजन भी बेचा, तो ये सारी चीज़ें करी मैंने, तो संघर्ष करके। और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि 83 में फादर एक्सपायर हो गए, तो अनुकंपा नियुक्ति के रूप में मुझे BSNL में जॉब लगी। सन 1984 से आप जॉब में हैं जी, पूरे 35 साल का आपका जॉब पूरा हो चुका है। 4 दिनों बाद आप रिटायरमेंट भी ले रहे हैं अपने जन्मदिन के साथ जी। कैसा अनुभव रहा है इतने वर्षों का, एक सरकारी मुलाजिम की तरह आप काम करते रहे, साथ साथ अपना पेशन भी जीते रहे, यूँ कहे कि आप वो भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्होंने खेल को चुना, और अलग अलग खेल जो है वो कहीं ना कहीं आपके भीतर बसते हैं, उसके आप बड़े जानकार के तौर पर पहचाने भी जाते हैं, चाहे वो कैरम हो, चाहे वो देशी के अट्टा पट्टा क्यों ना हो, हर खेल में इतनी शिद्दत आखिर कैसे अपने आप में आपने आत्मसात की? देखो, पहली बात तो ये कि बचपन से ही मस्तीखोर तो था बहुत में, तो घर वाले क्या करते थे कि शाम के टाइम शाखा में भेज देते थे, तो अपने गांधी हॉल में शाखा लगती थी, तो वहाँ जाते थे, तो जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी थी शरीर में वो हम वहाँ घंटे दो घंटे में कंज्यूम कर लेते थे। जो खेल वहाँ चलता था ग्राउंड, तो वो खेल में आप इंटरेस्ट लेके उसी खेल में? हाँ, सारे चलते थे ना वहाँ, खिलाए सारे गेम जाते थे, ताकि फिजिकल फिटनेस आदमी की बनी रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। आप कैरम के भी उतने ही माहिर हैं जितने क्रिकेट के जी, कैसे संभव हुआ? क्योंकि हमारे पूरे भले परिवार में एक परंपरा रही कि जैसे पूना से गेस्ट आए, कोई आया तो घर में कैरम बोर्ड था, तो फिर हमारी महफिल जमती थी, तो रात को 2-2 बजे 4-4 बजे तक कैरम चला करता था, वो सब खेलते थे। फादर बहुत अच्छा खेलते थे, उसमें तो कोई दोहमत ही नहीं कि फादर का गेम भी बहुत अच्छा था। मेरा बड़ा ब्रदर जो अनफॉर्चुनेटली 85 में उसकी भी डेथ हो गई, वो बहुत अच्छा प्लेयर था, बहुत अच्छा स्विमर था वो। तो ये स्पोर्ट्स के जो आप कह सकते कि कीटाणु जो है वो शुरुआत से रहे शरीर में, और एनर्जी कंज्यूम करने का मेरे को इससे अच्छा और कोई माध्यम लगा नहीं। बिल्कुल सही कहा। और ये आपका जो बिंदास अंदाज है, कहीं ना कहीं आपकी लेखनी में तो स्पष्ट रूप से देखा ही जाता है, जिस तरह से आपको आपके जीवन में मौका मिला, चाहे BSNL की ओर से जो आप लगातार क्रिकेट खेलते रहे, मध्य प्रदेश के 2 बार कप्तान भी रहे, ये अवसर कैसे मिला आपको आपकी ज़िंदगी में? वो कौन सी उम्र थी तब आपने ये क्रिकेट की धुन सवार हुई और नेशनल लेवल तक क्रिकेट? शुरुआत में क्या था कि घर की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि, और हम भी इतने समझदार थे कि कभी भी पिताजी को प्रेशराइज नहीं करते थे कि ये सामान लाके दो, वो सामान लाके दो, ये चाहिए वो चाहिए। तो कई बार ऐसा मौका आया जब क्रिकेट खेलते थे कि पैंट जो है बालकृष्ण से लिया है, जूते किसी और से लिया है, शर्ट किसी और से लिया है, ऐसा क्रिकेट खेला हमने। और जब मैं पहली बार नौकरी पे लगा, उसके बाद में जब मालूम पड़ा कि प्रोविडेंट फंड नाम की भी चीज़ होती है ऑफिस में, तो वो पैसे निकालते आते हैं, तो शुरुआत में जो पैसे कटे थे वो जो कुछ इकट्ठे हुए थे, तो वो पैसे निकाल के मैंने पहली बार क्रिकेट का बैट खरीदा। नहीं तो तब तक तो ये परिस्थितियाँ थी नहीं कि ये भी खेल लो, वो भी खरीद के ले आओ, वो भी खेल लो। मेरे घर में गैंग रहती थी पूरी, और टेबल टेनिस खेलते थे सब, तो एक पढ़ाई की टेबल और एक ब्लैक बोर्ड, और बीच में कॉपियों की नेट बना के वो टेबल टेनिस घर में खेलना हमने चालू किया। तो उस टाइम 25 पैसे या 50 पैसे में माउंटेना करके बॉल आती थी, आज की तारीख में वो 25 रुपये 30 रुपये की हो गई बॉल। तो वो बढ़ता गया, एडवांस होता गया गेम, लेकिन हमने ये संघर्ष करके सारे खेल खेले। आपकी ज़िंदगी का अंदाज में काफ़ी अमीर है, और आपकी लेखनी उससे कहीं गुना ज़्यादा अमीर है। आखिर लेखनी का जो शौक है, ये कब आपके जीवन में आया, आपने कहाँ से, आपको कब ऐसी लगा कि अब मैं
फिल्म समीक्षक के बतौर अपना, क्योंकि बचपन में ही मुझे मराठी साहित्य पढ़ने का बहुत शौक था और मेरा ये मानना है कि मराठी साहित्य बहुत समृद्ध है। उसकी भाषा, उसके अलंकार, जो सारी चीज़ें हैं मराठी में जो मिलती है, कहावतें मिलती है, वो शायद हिंदी में आपको नहीं मिलेंगी। तो बचपन से ही शिवाजी का चरित्र या औरंगजेब का चरित्र, ये सब मैंने बचपन में पढ़ा, तो एक तब से एक शौक हो गया था कि यार किताब पढ़ना चाहिए अपने को। तो वो पढ़ते पढ़ते धीरे 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 फिर क्या हुआ कि आप उनका नाम सुना ही होगा आपने, ख्यात व्यंग्यकार शरद जोशी, उनके छोटे भाई जो थे रोमेश जोशी, वो भी अच्छे व्यंग्यकार थे, तो उनके संपर्क में आया। एक दिन मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर जनसत्ता दे दो, तो बोले जनसत्ता का ही चीज़ है को, मैंने कहा वो प्रभा जोशी लिखते हैं ना उसमें कॉलम, तो मेरे को वो पढ़ना है। तो बोले तू के दूसरे की पढ़ते रहेगा क्या जीवन भर? अच्छा। बोले अपना नहीं लिखेगा कुछ? तो मैंने कहा सर मेरे को ऐसा कोई इंस्टेंट लिखना आता नहीं कि स्तंभ कैसे लिखना है या क्या करना चाहिए। बोले तू कोशिश तो कर। तो एक दो बार जब मैंने लिखे और वो उनको पढ़ाए तो उनको बहुत पसंद आया, बोले अब ये शैली कंटिन्यू करना, अपनी लेखनी से किसी को डैमेज नहीं करना है, लेकिन पढ़ने वाले को आनंद आना चाहिए कि आपने, और आपका प्रेजेंटेशन जितना अच्छा रहेगा उतना पढ़ने वाले को भी मजा आएगा। आप वो शख्सियत थे जिनको 24-25 नेशनल मैच कवर करने का मौका मिला, साथ ही वर्ल्ड कप भी आपने देखे, किस तरह का अनुभव रहा? क्योंकि देश में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको इतना वृहद स्वरूप में काम करने को मिले एक खेल समीक्षक के। देखिए एक बात तो साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि एक समीक्षा करना या एक बार लिख देना आसान काम है, लेकिन रोज एक मैच की समीक्षा करना वो बहुत मुश्किल है, और उसमें फाकलाजी चलती नहीं है। जब तक आपने मैच नहीं देखा या आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है उस चीज़ का, तो आप वो खेल नहीं लिख सकते। आप मानते हैं कि आप जैसे खेल समीक्षक जब लिखते हैं तो खिलाड़ी भी उसे पढ़ते हैं और कहने के अपने गेम में सुधार करते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं, सुधार भी करते हैं, बताते भी है, आलोचना भी करते हैं। और मेरा ये प्रामाणिक मत है कि अगर 100 लोगों ने आपकी आलोचना करी और एक ने प्रशंसा करी तो उसमें आपकी जीत है, क्योंकि आलोचना वही कर सकता है जिसने उस चीज़ को पढ़ा है। जिसने वो चीज़ पढ़ी नहीं वो तो वो अरे बहुत अच्छा लिखा, अरे क्या लिखा पूछेंगे तो वो बता नहीं पाएगा क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं रहता वो। लेकिन आलोचना वही कर पाएगा, गलती वही निकाल पाएगा जिसने उस चीज़ को पढ़ा है और सिद्धांत से पढ़ा है, और उसमें उस पढ़ने के साथ साथ क्या लिखा गया है इस विषय की उस व्यक्ति ने, उस शख्सियत ने यदि समीक्षा की है तो वही कोई प्रतिक्रिया देने के योग्य भी होता है, पात्र भी होता है। कहेंगे जो प्रतिक्रिया आती है वो कई बार व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ा जाती है। लगातार हमने देखा है आपकी पत्रकारिता या फिर आप जो लिखते हैं या फिर आप अखबारों में अलग अलग लिखते आए, भले दैनिक भास्कर की बात की जाए, अपने ज़माने के नवभारत की बात की जाए, स्वदेश अखबार की क्यों न बात की जाए, आप लगातार इन सभी अखबारों में लिखते रहे हैं जी। किन अखबारों में लिखने से आपको सबसे ज़्यादा आपकी लेखनी का प्रतिसाद मिला है? सबसे ज़्यादा प्रतिसाद मिला मेरे को भास्कर में और फिर अग्निबाण में। एक वर्ल्ड कप मैंने अग्निबाण के लिए लिखा था, रोज़ एक कॉलम में लिखता था उसमें, तो उससे मुझे पहचान मिली लोगों में, यार नहीं ये आदमी भी कुछ लिखता है करके। और वो जब तक चीज़ इंटरेस्टिंग ना हो आदमी पढ़ेगा ही नहीं ना, बोरियत लगे, सपाट न्यूज़ जैसी लिख दोगे आप तो उसको आनंद थोड़ी आएगा पढ़ने वाले को। आज जिस तरह से इन दिनों देखा जाता है कि जब कोई कुश्ती का आयोजन होता है तो हेडिंग आता है कि 50 लाख का दंगल, 1 करोड़ का दंगल, उस कुश्ती के बारे में, उन पहलवानों की विशेषताओं के बारे में, उनकी टेक्निक्स के बारे में कहीं अखबारों में पढ़ने को अब कम मिलता है। कहीं ना कहीं खेल समीक्षक या खेल पत्रकारों की कमी की बात की जा सकती है कि वो उतना विस्तृत उस विषय को नहीं लिख पा रहे, ये बात भी देखने को मिलती है। लेकिन जब आप खेल समीक्षक के रूप में लिखते हैं, लगातार जब लिखते हैं तो आपके खुद के स्वयं के पाठक बन जाते हैं जी। और जब आप उस अखबार में एज ए लिखना बंद करते हैं तो कहीं ना कहीं उस अखबार को भी ये देखा जाता है कि अब नरेंद्र भाले जी इस अखबार में नहीं लिख रहे, तो जिस अखबार में लिख रहे हैं उस अखबार को हम पढ़ें कि आखिर नरेंद्र भाले जी इस खेल को लेकर किस तरह से जुड़े। कभी इस तरह के कोई वाक्य सामने आया नहीं? वैसा मैं ये मानता हूँ कि किसी भी खेल पर अगर आप लिख रहे और आपको उसकी तकनीकी ज्ञान नहीं है तो आप कभी भी एक्सप्रेसिव हो ही नहीं सकते। आपको एक्सप्रेसिव जब भी बनोगे, और ये होता था कि कई बार मैं लिखता था तो रोमेश जी कभी बम्बई रहते थे, कभी कहाँ रहते थे, तो वहाँ से फ़ोन आता था, अरे यार बोले आज बहुत अच्छा लिखा, और कई बार डांट भी देते थे, बोले ये क्या लिख दिया आज। तो ये क्या है कि जब तक आपकी प्रॉपर आलोचना नहीं होगी आप में सुधार नहीं आ सकता कभी। बिल्कुल सही कहा, और खासतौर से हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि बार बार हमें याद नहीं रहता कि आखिर आप
एज ए खेल समीक्षक तो है, लेकिन कौन कौन से वो खेल है जिन पर आप लिखना पसंद करते हो, जिनको आप में रुचि है, आपको उन खेलों में रुचि है और उसकी पूरी समीक्षात्मक रिपोर्टिंग आप करते हो, कौन कौन से खेल? अधिकांश खेल है वो, जैसे एक ये आपका बिलियर्ड स्नूकर है, वो मुझे टेक्निकली इतना नहीं समझता, लेकिन इंदौर में जितने भी नेशनल हुए उसके सबकी रिपोर्टिंग करी मैंने। तो मेरी एक आदत है कि अगर मुझे नहीं आता तो मेरे को कोई शर्म नहीं है, झिझक भी नहीं है सामने वालों को बोलने में कि भैया ये चीज़ मेरे को नहीं मालूम, आप ये बता दो। मैंने इवन संगीत के कार्यक्रम में पंडित भीमसेन जोशी भी कवर करे और परवीन सुल्ताना भी कवर करी, तो उन लोगों को मैं देखता था, बुजुर्गों को, अभिनवकला समाज में वहाँ अंदर वहाँ प्रांगण में होता था, तो जाता था, देखता था कि कौन कौन से बुजुर्ग आते हैं जो गौर से सुन रहे हैं, कहाँ दाद दे रहे हैं, तो ऐसा मैं ढूंढता था आदमी, फिर उसके पास जाके बैठ जाता था, फिर उससे पूछता था कि ये कौन सा राग गा रहा है, ये इन्होंने क्या करा, ये तोड़ी गाई है कि ठुमरी गाई है कि दादरा है, क्या क्या बजा रहा है ये। तो वो आपको झिझक नहीं होना चाहिए अगर आपको आपका ज्ञान बढ़ाना है तो, और नहीं तो फिर हवा में लड घुमा के आप आ जाओ, कुछ भी समीक्षा कर क्या है, लिख दिया। आज हम आपके बर्थडे के मौके पर बैठे हुए, आप 60वां जन्मदिन मना रहे हैं आपका, कैसा लगता है? इतना लंबा आपका कार्यकाल रहा, विभिन्न क्षेत्रों में आपने पूरी शिद्दत से काम किया, क्या बात है, एक इंसान जो है अपने कर्म को करता है, पूरी ईमानदारी से करता है, 100% उस काम को भी देता है, क्या उतना रिटर्न उसको प्रतिसाद के रूप में मिलता है, क्या सेटिस्फेक्शन है आपकी लाइफ में? देखो संतुष्टि तो मुझे पूरी है, क्योंकि मैंने कभी भी BSNL में नौकरी समझ के काम नहीं किया। बिल्कुल, अपना डेली रूटीन है, जैसे अपन खाना खाते हैं नहाते हैं, ऐसा डेली रूटीन था हमारा कि जाना है भाई ड्यूटी पे जाना है, कभी 8 घंटे भी लग जाते थे, कभी 10 घंटे भी लग जाते थे, लेकिन कभी शिकन नहीं आई कि यार काम बहुत ज़्यादा है तो मैं नहीं करूँगा। तो ये जो डेडिकेशन है वो तो वहीं से आता है ना। देखो डिसिप्लिन जब तक आपके अंदर नहीं रहेगा तो आप बाहर कैसे आएगा वो, तो उसको तो सबसे पहले अपने जीवन में अपने को उतारना पड़ेगा, तो वो जब आप उतारोगे तो उसका आगे जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। आप एक ऐसी शख्सियत के बतौर में पहचाने जाते हैं जिन्हें अपनी पत्रकारिता का जो 35 साल का कार्यकाल रहा, समीक्षक के रूप में आपको सीनियर खिलाड़ियों से इंटरव्यूज करने के मौके मिले, कपिल देव जी का आपने इंटरव्यू किया, इसी के साथ कहेंगे कि अरुण जी का आपने, जिनका कहा आडवाणी जी का, पंकज आडवाणी जी का आपने इंटरव्यू किया, किस तरह की खिलाड़ी की सोच होती है, और जब एक खेल समीक्षक उनसे वार्तालाप करता है अपने लेखन के साथ साथ और अन्य चीज़ों पर भी चर्चाएँ होती होगी, किस तरह के अनुभव रहे आपके? इन ऑल तो अच्छे ही रहे, क्योंकि जब क्या होता है कि जब इकट्ठे खेल समीक्षक जाते हैं और कोई खिलाड़ी आपसे बात कर रहा है तो सभी घेर लेते हैं और फिर एक 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 सवाल पूछते हैं, तो कई बार क्या होता है खिलाड़ी नाराज हो जाता है, बोले यार आपको मालूम ही नहीं और आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो, तो उस टाइम हास्यास्पद स्थिति हो जाती है बहुत। तो जब तक आप होमवर्क करके नहीं जाओगे आप क्या पूछोगे उससे? इस तरह का कोई आपको प्रसंग याद है? याद है, ये अपना जो हॉस्पिटल है जो कभी इंडोटेल मैनोर हाउस हुआ करता था, तो वहाँ पर एक बार रवि शास्त्री आए थे, और वो तब की बात है कि वो चैंपियन ऑफ चैंपियंस बनने के बाद में इंदौर में उनका शायद पहला कोई सार्वजनिक कार्यक्रम था, उसमें आए थे, तो वहाँ उन्होंने बोला कि सबके सवाल जवाब हो गए, फिर बोले कोई पत्रकार कुछ पूछना चाहता तो पूछ लो, तो खड़ा हो गया मैं, मैंने कहा सर मेरा एक सवाल है आपसे, मैंने कहा आप चैंपियन ऑफ चैंपियन बने उसमें कृष्णमाचार्य श्रीकांत और गावस्कर का कितना हाथ है, क्योंकि उसका कारण था कि 25 ओवर 30 ओवर 32 ओवर खेल के शास्त्री 34 रन बनाते थे 35 रन बनाते थे, उसके पहले कृष्णमाचार्य श्रीकांत धूमधाम धूमधड़ा का करके चले जाया करते थे, फिर बॉलिंग आती थी 2-3 विकेट मिल जाते थे, तब गावस्कर ने डिसीजन लिया था कि मैं ओपन में नहीं जाऊंगा, तो गावस्कर मिडिल ऑर्डर में आए खेलने, तो चांस मिला शास्त्री को, तो उस दिन वो झेप गए मेरे पूछने के बाद, बोले नहीं यार ऐसे मत सवाल करो, तो मैंने कहा इसमें गलत क्या है, मैंने कहा आप क्रेडिट तो दो, आप चैंपियन बने हो ना, लेकिन उसमें साथियों का योगदान है या नहीं है इतना बता दो आप मेरे को। इतने सटीकता से सवाल मुझे लगता है इन दिनों खिलाड़ी भी मौका नहीं देते, कोई पत्रकार या कोई खेल समीक्षक उस तरह के सवाल पूछ ले, एक मौका मिला और आपने एक जोर का छक्का झड़ दिया रवि शास्त्री जी पर, उन्होंने कहा इस तरह के सवाल ना करें। अब इस तरह का माहौल देखने को मिलता है कि खेल की दुनिया पूरी तरह से बदल गई है? नहीं, अब तो बहुत चेंजेस आ गए, बहुत चेंजेस आ गए, खिलाड़ियों में भी बहुत एटीट्यूड आ गया है, और फिर क्या है, मैंने पहले भी बोला आपसे कि आप होमवर्क करके नहीं जाओगे तो आप कुछ नहीं पूछ सकते उससे, क्या पूछोगे, और हंसी के पात्र आप ही बनोगे पूछने के बाद में। पिछले 4 दशक से करीब बात हम 4 दशक नरेंद्र मोदी
अलग अलग विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए, खेल संगठनों से जुड़े हुए, अलग अलग पदों पे, यूं कहें कि स्थायी पदे कुछ ना कुछ है, कहीं सचिव है, कहीं कार्यकारी अध्यक्ष के पदों काम कर रहे हैं, कहीं संस्थापक सदस्य है, कहीं एग्जीक्यूटिव मेंबर है। वो कितनी संस्थाएं और कौन कौन सी संस्थाएं जहाँ आज भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं? देखिए, आट्या पाट्या में तो हूँ, अरविंद क्रीड़ा मंडल में भी हूँ मैं, क्योंकि आप खो खो हमारे यहाँ चलता है, लेकिन अब मध्य भारत खो खो एसोसिएशन दूसरों के हाथों में चला गया, तो उसमें तो हमारा कोई वो नहीं है। बाकी तो सभी मैक्सिमम खेलों में जहाँ जहाँ है, टेबल टेनिस में तो हूँ ही मैं, क्रिकेट में किसी इसमें नहीं हूँ। आप बीएसएनएल की तरफ से काफ़ी काम किया, आपने मीडिया कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया, किस तरह का अनुभव रहा आपका पिछले 15 सालों का, जिस तरह से आपने 15 साल मीडिया के साथ समन्वय के साथ में बीएसएनएल के साथ काम किया? देखिए, अगर ईमानदारी से पूछे तो मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैंने जो है मीडिया और डिपार्टमेंट दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम किया। कोई नाराज हुआ, आजा भाई क्या क्या दिक्कत आ रही मेरे से, आप शेयर करो। मैंने कहा कोई भी आपकी समस्या है तो आप डायरेक्ट जीएम तक पहुँचो, उसके पहले आप मुझे बताओ ना, मैं बैठा आपके लिए हूँ। अगर आप मेरे पास नहीं आओगे तो मुझे तो सपना आना नहीं है कि आपको समस्या क्या है। तो समस्या आप जब तक मुझे नहीं बताओगे, डॉक्टर इलाज कैसे करेगा उसका? नरेंद्र भले जी बड़ी बेबाकी से अपनी हर बात को बोलते हैं और उनका अपना एक अंदाज है। जन्मदिन को लेकर वापस लौटेंगे, क्योंकि हमारा कार्यक्रम का फोकस ही बर्थडे सेलिब्रिटी और आज आपका जन्मदिन है, किस तरह से सेलिब्रेशन किया जा रहा है जन्मदिन का, क्या वो विशेष कार्यक्रम होते हैं या फिर परिवार के साथ मनाया जाता है? जी, 99% टाइम परिवार के साथ ही मनाया जाता है। पहले हम 6 लोगों का परिवार था, मदर की डेथ हो गई, फिर हम 5 जने बच्चे, फिर बड़ी बेटी की शादी हो गई, फिर हम 4 बचे, फिर बीच वाली बेटी की शादी हो गई, अब हम 3 ही बचे, और छोटी वाली अभी 21 साल की है तो उसको टाइम है, अभी तो 2-3 साल MBA वगैरह वो सब करेगी। अब 3 मेंबर में क्या सेलिब्रेशन करेंगे? तो भी पारिवारिक आयोजन देवदर्शन? हाँ, वो घर पे देवदर्शन भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप वो शख्सियत है जिन्होंने पुराना समय भी देखा हुआ है, काफ़ी गर्दिश काल भी देखा हुआ, बदलता समय भी लगातार आप देख रहे हैं, जिस तरह से स्पीड से लोग आगे बढ़ रहे हैं और हर उत्सव को बड़ी शिद्दत के साथ मनाने की कोशिश करते हैं, क्या आपके अनुभव के हिसाब से आप बता सकते हैं कि वाकई सही दिशा में दौड़ हो रही है? नहीं, कतई नहीं हो रही, क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे आदमी उत्सव मनाता है तो एक आजकल भीड़ चाल सी हो गई। केक लाए आप 600 रुपये का, 700 रुपये का, 1000 रुपये का, इतना महंगा केक लाए और जिसका बर्थडे उसके मुंह पर पूरा पोत दिया, तो वो तो वेस्टेज है ना, उससे तो किसी गरीब को खिलाओ आप। मेरे यहाँ केक आता भी है छोटा सा, तो उसके ऊपर मोमबत्ती जलाते हैं ना, तो मोमबत्ती कभी बुझाती नहीं है, वो निकाल के बाजू में रख देते हैं, उसके बाद केक काटते हैं, फूंक मारने का कोई सिस्टम नहीं और वो होना भी नहीं चाहिए। तो अब तो क्या है कि बस ये है, इस होटल चलेगा, उस होटल चलेगा, कोई मतलब ट्रेंड ही कुछ तो भी चल पड़ा है वो, कहीं ना कहीं आपकी समझ से कहीं ना कहीं नहीं ये ट्रेंड और ऐसा नहीं होना चाहिए। खासतौर से बात की जाए तो आज 60वां बर्थडे नरेंद्र भाले जी मना रहे हैं, इनसे हमको बहुत सीख मिल सकती है, इसलिए हम इनसे कहेंगे नरेंद्र से। मैंने सर आप ये बताइए कि जिस तरह सोशल मीडिया का समय है, आपने अपनी प्रतिक्रिया हालांकि देख चुके हैं, जो ट्रेंड चल रहा है वो कतई सही नहीं है, इससे अच्छा है कि आप सेवा के माध्यम से जरूरतमंद लोगों की मदद कर अपना जन्मदिन मनाएं। लेकिन अंतिम सवाल के रूप में किस तरह का संदेश देना चाहेंगे खबरबान न्यूज़ के दर्शकों को, खासतौर से उन खिलाड़ियों को जो खेलों में अपनी प्रतिभाओं को इंजीनियर निखार रहे हैं और अपना भविष्य खेलों के माध्यम से संवारना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा आपके साथ के बर्थडे के मौके पर? मैं तो सभी खिलाड़ियों से कहना चाहता हूँ कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो चीज़ें हमें नहीं मिली आज की तारीख में सब मिल रहा है बच्चों को, और एक मैच में, दो मैच में रन बना के आदमी एकदम समझता है कि मैं सचिन तेंदुलकर बन गया, तो उसके लिए बहुत कड़ी तपस्या की जरूरत रहेगी, तो उसके लिए ईमानदारी से प्रयास, लक्ष्य पकड़ के चलना पड़ेगा, तो वही कुछ अचीव होगा। आज बिलियर्ड स्नूकर में भी जैसे पंकज अडवाणी रोल मॉडल है सबके, तो वैसे इंदौर से अभी अमिक अंबानी निकली है, अभी ईशिका शाह निकली है, अमिक अंबानी अभी वर्ल्ड लेवल पे अच्छा काम कर रही है, तो मोटिवेशन अगर आपको मिलेगा और एफर्ट्स करोगे आप सही दिशा में, तो मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है कि अच्छे लेवल का खिलाड़ी आप बन सकते हैं। आपके जीवन में जिस तरह से पिछले 4 दशक से अलग अलग खेलों से जुड़े रहे, मैदान में जाते थे, ग्राउंडों में जाते थे, क्या खिलाड़ी जो उभरती प्रतिभा है उनको किसी तरह का कोई
दिशा निर्देश आपके माध्यम से आपकी ओर से जाता था? देखो, हमारे अरविंद क्रीड़ा मंडल में तो जितने प्लेयर हैं, जो जैसे विक्रम अवार्डी भी है, नेशनल खेला है, फलाना है, डिमका, तो आज की तारीख में 95% प्लेयर सारे सरकारी नौकरी में है। तो हमारा ध्यान उधर भी रहता है कि बच्चे की ज़िंदगी बने, क्योंकि ये खेल ऐसे है, खो-खो हो गया, आटा पाटा हो गया, कि इसमें गरीब फैमिली के बच्चे ही आते हैं। कोई भी रईस आदमी नहीं भेजता अपने बच्चे को कि जा खो-खो खेल करके, जबकि फिजिकल फिटनेस के लिए उससे अच्छा कोई खेल ही नहीं है। और कोई भी खेल खेलो आप, अगर फुटवर्क बनाना है आपको, तो आपको खो-खो भी खेलना पड़ेगा, आटे पाटिया भी खेलना पड़ेगा, तो आपका फुटवर्क काम आएगा। इस मामले में बताऊँ मैं तेरे को एक अच्छी बात याद आई मेरे को। मैं BSNL में ज्वाइन ही किया था 84 में। हमारे यहाँ के मनोरंजन क्लब है, तो उस मनोरंजन क्लब में 4 कैरम बोर्ड लगे, एक टेबल टेनिस की टेबल लगी हुई और बड़ा हॉल है। तो मनोरंजन क्लब ने रंगोली कॉम्पिटिशन आयोजित करी, तो उसमें करीब 34 महिलाओं ने भाग लिया। तो मेरे को मालूम पड़ा, तो मैंने कहा हम भी बनाएंगे रंगोली। मैंने कहा भले ही बिनकी वाली नहीं बनाते आती हूँ हमको, मैंने कहा फ्री हैंड रंगोली बनाएंगे। और आप विश्वास नहीं करोगे, सब महिलाओं में मैं फर्स्ट आया फ्री हैंड रंगोली में। तो लग के करोगे तो सब होगा। और बचपन से ड्राइंग मेरा टाइम पास यही था, मैंने ग्रीटिंग कार्ड भी खूब बनाया, खूब बेचे भी छोटा था जब। तो वो ड्राइंग ऐसे ही आई, मैं किसी टीचर के पास सीखने नहीं गया। प्रैक्टिस करते 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 धीरे 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 धीरे, तो आज की तारीख में वो अपने शिवराज सिंह चौहान हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, विक्रम वर्मा हो, सचिन तेंदुलकर हो, सबके पास मेरे हाथ के बने हुए गणेश जी है। उमा भारती हो, सबको दिए मैंने गणेश जी बना के। वो सब जस्टिस, चीफ जस्टिस लाहौटी जी पहले जो थे, उनको भी दिया मैंने गणेश जी। तो ये करता रहता हूँ मैं, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करते अपने आप को बिजी रखने के लिए। बिल्कुल सही कहा। नरेंद्र भाले जी आज 60वां जन्मदिन मना रहे हैं, उनका एक अपना अलग अंदाज है, जिसे आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारा कृतित्व होने के बाद भी खुद से सीखते हैं और कहीं ना कहीं नंबर वन आ ही जाते हैं गोल तय करने के साथ ही। और यही संदेश वो उभरते खिलाड़ियों को भी अपनी तरफ से देते हैं। जब भी जहाँ भी जो भी खिलाड़ी मिलता है, भले वो देशी खेलों का हो चाहे वो विदेशी खेलों का हो, क्योंकि सबज खेलों की इनके भीतर से कहीं ना कहीं उग कर आती है और बोलने को निवेश कर देती है कि खिलाड़ी को अपने किस तरह से लक्ष्य तय करके बगैर शॉर्टकट के आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। नरेंद्र जी, आप 60वें जन्मदिन पर खबरबार न्यूज़ के बर्थडे सेलिब्रिटी कार्यक्रम का हिस्सा बने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके 60वें जन्मदिन पर पुनः एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरबार न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम बर्थडे सेलिब्रिटी को आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। आज के बर्थडे सेलिब्रिटी में इतना ही, फिर एक नई सेलिब्रिटी के साथ कल हाजिर होते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और ताज़ा तरीन खबरों को देखते रहिए खबरबार न्यूज़।